नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बैच 2020 के प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 5 दिवसीय रूरल इमर्शन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक रजत कुमार नंदा ने कहा कि नए प्रोबेशनरी अधिकारी प्रशिक्षित होकर अपनी अपनी शाखाओं में जाकर ग्रामीणों से आपसी असमंजस्य स्थापित करके ग्रामीणों को यूनियन बैंक की बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे और बैंक की योजनाएं और सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को बताएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व पूजा अर्चना के साथ किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल यूनियन बैंक की 4000 से अधिक शाखाएं हैं। इस ट्रेनिंग के द्वारा बैंक के नए प्रोबेशनरी अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान अपनी तैनाती के अनुसार अपनी अपनी शाखाओं में प्रशिक्षण लेकर जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों से असमंजस्य बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया जाएगा जो नई ऊर्जा को लेकर और नए व्यक्तियों से मिलेंगे। बैंक की सुविधाएं और योजनाओं के बारे में लोगों से बताएंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजा अर्चना करके किया। जौनपुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कृपया अपना परिचय बताएं सर। मैं रजत कुमार नंदा, क्षेत्रीय प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जनपद जौनपुर का प्रभारी। जी, आज किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ दी गई आपके द्वारा, क्या जानकारी दी गई? ये आपको मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ। पूरे बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग इंडस्ट्री में एक जो नए अधिकारी हमारे बैंक में भर्ती होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, उनके लिए एक रूरल इमर्शन का ट्रेनिंग सेंटर ये कब तक हो रहा है। बेसिकली क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शाखा है, ग्रामीण शाखा सर्वे शाखा है, बैंक के लगभग 4000 प्लस ब्रांचेस ग्रामीण और सर्वे शाखा है, उनमें ग्रामीणों का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या उनको जरूरतें हैं, उनके साथ तालमेल और उनके साथ में समन्वय बढ़ाने के लिए हमारे ये प्रोग्राम हमारे दिया है। इसमें क्या होता है, हम लोगों का नए जो प्रोफेशनल्स है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है फील्ड में, तो ग्रामीणों को क्या क्या जरूरत है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक से, क्या उनको चाहिए और उनके प्रति फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग जाएंगे, नए लोग, नए ऊर्जा, नए व्यक्ति फिर भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनको हमारा जो सेवा जो बैंकिंग का प्रोडक्ट है उसको भी उनको बताएंगे, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है समझेंगे। और जो कई बार लगता है ग्रामीणों का और बैंकों का जो दूरी है बढ़ जाता है, उस दूरी को कम करने के लिए जी। क्या इसमें जौनपुर जिले के भी अधिकारी शामिल हैं कि कहाँ कहाँ शामिल? जो हमारे पास जो प्रोफेशनल आए हैं ऑल इंडिया से आते हैं, ये फिलहाल यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर दिया है जौनपुर के अंदर ही है, बेसिकली ये उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ पोस्टिंग प्लेसमेंट का नहीं है, यहाँ ट्रेनिंग लेके यहाँ से जो भी अपना सीखेंगे समझेंगे उसको लेके आगे चलेंगे जहाँ भी बैंक। जी, कितने दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये भी 5 दिन का होगा।